अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा संभल कर, क्योंकि आपका कार्ड कब और कहां क्लोन हो जाए कहा नहीं जा सकता। नई दिल्ली में एनडीएमसी बिल्डिंग के बाहर खड़े ये लोग एनडीएमसी के ही कर्मचारी हैं। इनका कहना है कि इनका डेबिट कार्ड क्लोन हो गया है और इसका पता इन्हें तब चला जब इनके अकाउंट से पैसे निकल गए। मेरा जो है 7 तारीख को है, 8:23 पे है, मेरे 15,000 रुपए निकल गए है। उस समय मैं खाना खा रहा था, मैसेज देखा मैंने कि मेरे पैसे सारे निकल गए हुए हैं। फिर उसके बाद मैं बैंक में टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करके एटीएम में बंद करवाया मैंने जो है। फिर शनिवार इतवार होने के कारण जो है मैंने सोमवार को है बैंक में गया जो है, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराई मैंने है, तो मेरी कंप्लेन नहीं ली है बैंक वाले, कनाड सर्कस वाले जो है। खास बात ये है, कार्ड ज्यादातर उन्हीं लोगों के क्लोन हुए हैं जिन्होंने कनॉट प्लेस के एक बड़े बैंक के एटीएम का इस्तेमाल किया था। एहतियातन उस एटीएम को फिलहाल बंद कर दिया गया। 13 तारीख से द्वारका सेक्टर से एटीएम से 20,000 रुपया निकल गया है सुबह 10:06 में। तो उस टाइम उसके बाद फिर हमने एफआईआर लॉन्च करी, फिर हम नियरेस्ट एसबीआई मेन गेट मेन बिल्डिंग में गया, वहां पे जाके पता किया, जो बोला भाई आप अकाउंट एटीएम ब्लॉक कर दीजिए और आपका कंप्लेंट लॉज कीजिए और एफआईआर करवाइए। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ शिकायतें मिली हैं जिन पर एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है। इनो कंप्लेंट्स पर हमने एफआईआर रजिस्टर कर दिया है। उसमें कुछ लोगों ने इस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया था कि उनके एटीएम से पैसे का विड्रॉल हो गया है, अलग अलग अमाउंट है, एक केस में 40,000, एक में 24,000 है, ऐसे है। तो इमीडिएटली हम लोगों ने एफआईआर रजिस्टर कर दिया है और हम लोग इन्वेस्टिगेशन इसका चालू कर चुके हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक इस ठगी के करीब 25 शिकार एनडीएमसी के कर्मचारी हैं। हालांकि यहां के कर्मचारी यूनियन का कहना है ये संख्या 200 के करीब है। जो हुए हैं क्लोनिंग का समस्या जो है, जिससे पैसे निकले हैं, तकरीबन 200 कर्मचारी तो अभी संज्ञान में मामला आया है। जैसे जैसे लोगों को नॉलेज में आ रहा है मामले, लोग अपने अपने रिपोर्ट लिखवा रहे हैं या फिर यूनियन को मैसेज दे रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि काफी बल्क लेवल में, मास लेवल पर यह किया गया है क्लोनिंग, जिससे लाखों रुपये का एनडीएमसी के एम्प्लॉय के सैलरी अकाउंट से, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी जितने भी अकाउंट से पैसे निकले वो सैलरी अकाउंट से निकाले गए हैं। ठगी के शिकार सिर्फ एनडीएमसी के कर्मचारी नहीं है बल्कि कई दूसरे लोग भी कार्ड क्लोनिंग की वजह से अपना पैसा गंवा चुके हैं। पुलिस का कहना है वो उन सभी एटीएम के सीसीटीवी चेक कर रही है जहां से कार्ड क्लोन होने के बाद कैश निकाला गया है।